सो गाइस, आप भी अगर दुधिया शिवखोला से बोर हो चुके हैं तो आज आपको मैं एक नया वाटरफॉल दिखाऊंगा जो कि है मानदी वाटरफॉल। ये सिलगुड़ी से जस्ट 42 किलोमीटर है। क्या बात कर रहे हैं? यस गाइस, मैं सही बात कर रहा हूँ। और ये वाटरफॉल कहाँ से जाता है पूरा ड्यूरेशन वगैरह इस ब्लॉग में मैं कवर करूंगा। तो गाइस शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। दो तीन दिन से सिलगुड़ी में बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रहा है गाइस। और ये है दार्जिलिंग मोड। फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ मेरे भाई उज्जल के लिए, वो अभी तक नहीं आया। और फाइनली उज्जल भाई आ गया और यहाँ से हम लोग का जो सफर है वो शुरू होगा। फर्स्ट में जा रहा है उज्जल भाई, सेकंड में है चंदू और लास्ट में हूँ मैं। और गाइस ये है सुखना बोर्ड। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधा लेना है स्ट्रेट। सो गाइस जस्ट हम लोगों ने सुखना पार करके थोड़ा आगे रुका है क्योंकि यहाँ पर जो चंदन का जो एसटी कार्ड है वो ईरोड दिखा रहा है। ईरोड दिखा रहा है क्या? और यहाँ पर है मेरा प्यारा भाई उज्जवल। तो उज्जवल भी अपना जो सेटअप है वो रेडी कर रहा है क्योंकि यहाँ से व्लॉग शुरू होगा एक्चुअली इन लोगों का। एक्चुअली मेरे को इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना था इसलिए मैंने दाजी मोड से शुरू किया, बट चंदन और उज्जवल ने व्लॉग यहाँ से शुरू किया। दोनों का चैनल मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। ऑल सेट गाइस, बढ़ते हैं मानदी की ओर। और मानदी पहुंचने से पहले रास्ता में पगला जोड़ा वाटरफॉल पड़ेगा, वो भी काफी कमाल का है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो गाइस बने रहे व्लॉग में, फिलहाल ये नजारा चेक करें गाइस, बहुत ही प्यारा बहुत ही कमाल का। तो गाइस थोड़ा आगे आके आपको ये जगह मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ आई लव सिंधारिया देख सकते हैं। और ऊपर में है टॉय ट्रेन का वर्कशॉप। कुछ साल पहले यहाँ पर बहुत ही तगड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, उसके बाद ये रिपेयर होके कुछ ऐसा बना है ये। और जो गाइस इसका जो फाउंडेशन है ना, देखिए वहाँ से शुरू हो रहा है। और देखिए गाइस यहाँ से नजारा कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा गाइस। और जब भी मैं तिंधारिया आता हूँ ये रेस्टोरेंट में मोमो जरूर खाता हूँ। यहाँ पर मोमो जो है गाइस काफी टेस्टी मिलता है। जितना भी संडे राइड में बाइकर आता है यहाँ पर बैठ के चाय वाय मोमो मोमो जरूर खाता है एमएस धोनी। तो गाइस अभी हम लोग जस्ट तिंधारिया रुके हैं चाय वाय पीने के लिए। और यहाँ से गाइस देखिए जो व्यू है काफी कमाल का दिखाई दे रहा है। वो जितना भी व्यू है वो सिलीगुड़ी है। और उधर में आई लव तिंधारिया लिखा हुआ। तो अभी जस्ट वहाँ से आए हम लोग। और गाइस ये दुकान में एक्चुअली बहुत ही टेस्टी मोमो मिलता है। मैं जब भी तिंधारिया आता हूँ तो ये दुकान में रोक के मोमो जरूर खाता हूँ। तो आप भी जब भी आए ये दुकान में मोमो जरूर खाइएगा। और चंदन अपना सिनेमैटिक शॉट लेता हुआ। और यहाँ पर है अर्जेंटीना का झंडा लहराते हुए। क्या बोला तूने? मस्त रहा चंदन। तो गाइस मोमो आ गया है देख सकते हैं, काफी टेस्टी है यहाँ का। एक बार मैं ट्राई करता हूँ। तो गाइस मोमो काफी ज्यादा टेस्टी है एक्चुअली। इसमें ना क्वास का मोमो है ये, और सुपर। आप लोग भी जब आए एक बार जरूर ट्राई करें। सो गाइस मोमो खा के हम लोग निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर जो कि है जंगपाना टी स्टेट मानदी वाटरफॉल। और गाइस रास्ता का व्यू देखिए, ये है गयाबारी। गाइस चेक दिस आउट, क्या लग रहा है। और वहाँ पर है पगला जोड़ा वाटरफॉल, वहाँ पर भी आप मैं रोक के आपको दिखाऊंगा। सो गाइस चेक दिस आउट गाइस, ये है पगला जोड़ा वाटरफॉल। काफी कमाल का, काफी शानदार देख सकते हैं। तो गाइस ये है पगला जोड़ा वाटरफॉल। काफी कमाल का देख सकते हैं, नीचे की तरफ पानी का फोर्स काफी तगड़ा है गाइस। चेक दिस आउट। तो गाइस हम लोग ने झरना देख लिया, काफी अच्छा लगा पगला जोड़ा वाटरफॉल। अभी चलते हैं हम लोग मेन डेस्टिनेशन की ओर जो कि ये मानदी से राइट लेना पड़ेगा हम लोग। तो गाइस ये है मानदी और जंगपाना टी स्टेट इस तरफ से जाता है देख सकते हैं ये वाला रास्ता। और यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड है जंगपाना का। तो गाइस चलते हैं इस तरफ से चलते हैं।
सो गाइस थोड़ा आगे आके ना यहाँ पर देख सकते हैं मेफेयर का बोर्ड है और ठीक साइड से दो रास्ता है यहाँ पर, तो आपको सिंपली नीचे वाला रास्ता पकड़ के जाना है। और गाइज अभी सावन का महीना चल रहा है, आपको खूबसूरत झरना के साथ साथ महादेव जी का दर्शन भी हो जाएगा, तो आप भी गाइज जरूर ये जगह जो है आइएगा एक बार। सो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच गए मां नदी खोला देख सकते, और ये रहा वाटरफॉल। बाइक हम लोग ने ऊपर पार्क किया है और ये जो गाइज जगह है काफ़ी प्यारा है, आइए आपको मैं दिखाता हूँ। ओके कम ऑन। सो गाइज काफ़ी बढ़िया वाटरफॉल, 1, 2, 3। अरे ये चेक करे। सही प्लेस पे आया गाइस हम लोग, सही प्लेस पे और काफी खूबसूरत नजारा। और यहाँ पर जाने के लिए मेरे को डर लग रहा था, बट मेरे को महादेव जी के सामने बैठना था, तो इसलिए मैं अपना हिम्मत जुटा के गया इस जगह पर बैठने के लिए। हर हर महादेव। तो गाइस काफ़ी मज़ा आया नहा कर, और यहाँ का जो पानी है काफ़ी ठंडा है, और जो गर्म महीने में यहाँ पर आए थे नहाने का मज़ा ही और है, काफ़ी मज़ा आया गाइस। चंदन कैसा लगा तुमको इस जगह? तो भाई चंदन को तो पूरा ये जगह पसंद आया, तो आप लोग भी जरूर आइएगा। सिलीगुड़ी से आप लोग 40 किलोमीटर होगा, तो हम लोग का नहाना धोना खत्म हो, अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, तो आप लोग भी जरूर आएगा। तो भाई आज का ब्लॉग इतना ही था, होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना फॉलो करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे मुझे काफ़ी हेल्प होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, और चेक दिस आउट।